है गाइज दिस इज़ गीत एंड वेलकम टू इंग्लिश विद गीत आज हम सीखेंगे डेली यूज सेंटेंसेज एडवांसड वो के साथ हमेशा की तरह मैं हर सेंटेंस को पहले हिंदी में बोलूंगी, फिर उसे धीरे से इंग्लिश में बोलूंगी, फिर दो बार उसे इंग्लिश में प्रॉपर टोन और प्रोनंसिएशन के साथ बोलूंगी। आप मेरे साथ साथ बोलिएगा इससे आपकी प्रोनंसिएशन इम्प्रूव होगी और वो सेंटेंसेस और वो वर्ड्स आप ज़्यादा अच्छे से सीख पाओगे क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और हाँ ये वीडियो एंड तक जरूर देखना बिकॉज एंड में मैं आपका छोटा सा क्विज लूंगी चलो शुरू करते हैं तीखा को हम इंग्लिश में स्पाइसी कहते हैं बहुत तीखा को वेरी स्पाइसी कह सकते हो या आप कह सकते हो पंजेंट पंजेंट खाना बहुत तीखा है द फूड इज दूड इज फंजेंट द फूड किसी चीज़ में माहिर होने को हम टैलेंटेड कहते हैं बहुत माहिर को हम वेरी टैलेंटेड कहते हैं या आप कह सकते हो स्किल्ड वो टेनिस खेलने में बहुत माहिर है शी इज स्किल्ड ए प्लैंग शी स्किल्ड ए प्लोइंग शी इज स्किल्ड ए प्लाइंग टैनिस सुंदर को हम इंग्लिश में ब्यूटिफुल कहते हैं बहुत सुंदर को वेरी ब्यूटिफुल कहते हैं या आप कह सकते हो एलिगेंट ये ड्रेस उस पर बहुत सुंदर लग रही है दिस ड्रेस इज लुकिंग एलिगेंट ऑन हर दिस ड्रेस इज़ लुकिंग एलिगेंट ऑन हर दिस ड्रेस इज लुकिंग एलिगेंट ऑन हर जब आपको किसी चीज में अच्छी पकड़ होती है आप कह सकते हो गुड एट बहुत अच्छी पकड़ वेरी गुड एट या आप कह सकते हो Proficient, proficient. Uski puzzle solve karne mein bahut achi pakad hai. He is proficient at solving puzzles. He's proficient at solving puzzles. He is proficient at solving puzzles. At solving puzzles. At solving puzzles. <coughs> aram milne ko hum kenge relaxed. Bahut aram milne ko, very relaxed. yab ya kya sakte ho, tranquil tranquil malish karane ke baad mujhe aaram mehsoos ho hai. i am feeling tranquil after the massage i am feeling tranquil after the massage i am feeling tranquil after the massage <coughs> dravni ko hum scary kehte hain bahut dravni ko very scary ya aap keh frightening वो पिक्चर बहुत डरावनी थी दैट मूवी वॉज फ्राइटनिंग दैट मूवी वॉज फ्राइटनिंग दैट मूवी वॉज फ्राइटनिंग सावधान रहने को हम कहते हैं केयरफुल बहुत सावधान रहने को वेरी केयरफुल या कॉशियस कॉशियस सड़क पार करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए यू शुड रिमेन कॉशियस वाल क्रॉसिंग द स्ट्रीट You should remain cautious while crossing the street. You should remain cautious while crossing the street. Dilchasp ko hum interesting kyahte hain. will ko very interesting. Ya aap captivating. Captivating. Ye kitab This book is captivating. This book is captivating. This book is is captivating jab shor hota hai to hum kehte loud bahut jyada shor hota hai to hum kehte very loud ya hum keh sakte hain deafening deafening bus station mein bahut shor hai the bus station is deafening the bus station is deafening the bus station is deafening उलझन में होने को हम कहते हैं कन्फ्यूज बहुत ज़्यादा उलझन में होने को वेरी कन्फ्यूज या आप कह सकते हो फरफ्लैक्सड उस रास्ते के बारे में मुझे बहुत उलझन हो रही है आई एम अबाउट द डुरैक्शन आई एम अबाउट द डेक्शन आई एम परफ्लैक्सड अबाउट द डेक्शन्स ठंड को हम कोल्ड कहते हैं बहुत ज़्यादा ठंड को हम वेरी कोल्ड या चिली भी कह सकते हैं आज मौसम बहुत ठंडा है इज चिली टूडे इट्स चिली टुडे इट्स चिली टुडे अब आपकी बारी मैं आपको पांच सेंटेंसेस हिंदी में बोलूँगी आपको उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है ये वकेबुलरी वर्ड्स यूज करके जो हमने आज सीखे हैं अजनबियों से बात करते समय सावधानी बरतो मेकअप के बिना उसकी शक्ल बहुत ड्रावनी थी मैथ करने में उसकी अच्छी पकड़ है वो पेंटिंग में बहुत माहिर है ये मूवी बहुत दिलचस्प है आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो अगर हाँ तो लाइक ज़रूर करना सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया है एंड कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको ये वीडियो पसंद आया ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो या नहीं अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो बेल बटन दबाओ और मेरे साथ जुड़ जाओ सी नेक्स्ट टाइम